14 नवंबर 2012 अमेरिकन व्हाइट हाउस में एक पिटीशन अप्लाई की गई जिस पर 35,000 अमेरिकन लोगों ने सिग्नेचर किए। इस पिटीशन का कहना था कि अमेरिका को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए साल 2016 से डेथ स्टार सुपर लेजर वेपन का कंस्ट्रक्शन शुरू कर देना चाहिए। डेथ स्टार, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डेथ स्टार वेपन है क्या, तो उसके लिए जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो स्टार वॉर्स मूवी का है, जिसमें आपने अभी जो मून लाइक स्ट्रक्चर देखा जिससे निकलने वाली पावरफुल लेजर ने पूरे प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, इसी का नाम डेथ स्टार सुपर लेजर वेपन है। एक ऐसा वेपन जो सिंगल यूज से पूरे के पूरे प्लैनेट पर मौजूद सिविलाइजेशन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स को उस पूरे प्लैनेट सहित सेकेंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर सवाल यहाँ पर यह है कि लोगों की इस पिटीशन पर अमेरिकन सरकार का जवाब क्या था, और क्या अमेरिका सीक्रेटली डेथ स्टार सुपर लेजर बना रही है, और क्या हमारे पास कोई ऐसा वेपन है भी जो एक ही बार में पूरे के पूरे प्लैनेट को ही खत्म कर सकता हो। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें हिंदुइज्म के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन ब्रह्मशिरा की बात की गई थी, जो कि ब्रह्मास्त्र वेपन से भी 4 गुना पावरफुल था और प्लैनेट्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता था। तो इधर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, उसके एवज में गुस्से में अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरा चला दिया था, विच इज सेड टू बी 4 times मोर स्ट्रॉन्गर देन ब्रह्मास्त्र। तो पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाता, तो फिर तो एटम से भी ऊपर वाली चीज थी। अब ये सब इतिहास है या माइथोलॉजी, ये तो एक डिबेट का विषय है, लेकिन इस तरह के पावरफुल वेपन के बारे में सुनने के बाद मुझे आइडिया मिला कि क्या हम अपनी करंट टेक्नोलॉजी से या फिर फ्यूचर में ब्रह्मशिरा जैसे पावरफुल वेपन्स बना सकते हैं जो पूरे पूरे प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दे। और रिसर्च करने पर मुझे ऐसे कई डिस्ट्रक्टिव वेपन्स के आइडियाज मिले जो इतने केपेबल हैं। अब हैरानी की बात यह है कि हमारे पास इनकी टेक्नोलॉजीज भी है, पर कुछ ऐसे बड़े इश्यूज भी है जो हमें इन प्लैनेट किलर वेपन को बनाने से रोक रहे हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इन सभी के बारे में। शुरुआत अपने इंट्रो वाले वेपन से ही करते हैं। नंबर 1, डेथ स्टार सुपर लेजर। दोस्तों, आपने इसराइल के एयर डिफेंस लेजर आयरन डोम के बारे में तो सुना ही होगा। एक ऐसा लेजर वेपन जो हवा में 70 किलोमीटर दूर तक ही दुश्मन देश के मिसाइल्स को केवल पावरफुल लेजर से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसकी जरूरत इसराइल को इसीलिए भी थी क्योंकि यहूदियों और इस्लामिक कंट्रीज के बीच उसके कई पड़ोसी देश इसराइल के शहरों को निशाना बनाते हैं। कुछ ही समय पहले हमास और इस्लामिक जिहाद के लोगों ने गाजा से इसराइल के कई फेमस सिटीज पर 4,300 मिसाइल्स दागे थे, पर इसराइल के इसी एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने 90% से ज्यादा मिसाइल्स को हवा में ही उड़ाकर शहरों पर गिरने से रोक दिया। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमारी करंट टेक्नोलॉजी से भी ऐसी पावरफुल लेजर्स बनाई जा सकती है जो चीजों को डिस्ट्रॉय कर सके। हमें बस आयरन डोम जैसे लेजर्स को और भी पावरफुल और बड़ा बनाना होगा, और अगर हम इस लेजर सिस्टम को एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पर बढ़ा देते हैं, यानी इसका साइज अगर मून जितना बड़ा कर दिया जाए, तो ये इतना केपेबल होगा कि इसकी मदद से हम किसी भी प्लैनेट को या फिर अर्थ को भी एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? वेल, ऑब्वियसली नहीं, जिसका सबसे बड़ा रीजन है पैसा, जो इस प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा खर्च होगा कि उसे पूरी अर्थ पर मौजूद सभी कंट्रीज भी फंड नहीं कर सकती। और ये मैं नहीं बल्कि खुद अमेरिकन सरकार ने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जब साल 2012 में अमेरिकन लोगों ने डेथ स्टार जैसी पावरफुल प्लैनेट किलिंग लेजर बनाने की पिटीशन शुरू की थी, तो रूल्स के मुताबिक अगर किसी पिटीशन पर 25,000 से ज्यादा सिग्नेचर्स हो जाते हैं तो उसका जवाब यूएसए गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है, और इस पिटीशन पर तो 35,000 से ज्यादा सिग्नेचर्स थे, इसलिए अब अमेरिकन सरकार को तो जवाब देना ही था। अब आसान शब्दों में कहा जाए तो जवाब यहाँ पर ना था, जिसके 2 main reasons दिए गए थे। पहला कि डेथ स्टार जैसी प्लैनेट किलर लेजर को बनाने में करीब 850 क्वाड्रिलियन डॉलर्स की फंडिंग की जरूरत होगी, जो कि इतना बड़ा अमाउंट है कि यूएसए तो क्या, अर्थ पर मौजूद सभी देश मिलकर भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये नंबर अर्थ की टोटल जीडीपी से भी 13,000 गुना ज्यादा है।
इसके बाद दूसरा बड़ा रीजन दिया गया कि अमेरिकी सरकार ऐसे किसी भी तरह के वेपन के मेकिंग को सपोर्ट नहीं करता जो प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सके। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिसमें अमेरिका ने अपनी तारीफ की है, अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तारीफ की है, जिसको आप इनकी वेबसाइट पर ही जाकर पढ़ सकते हैं। नंबर 2, एंटी मैटर बॉम्ब। तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि एंटी मैटर एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो हमें अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सकता है, वो भी काफी कम एंटी मैटर में। एग्जाम्पल के लिए केवल 1 ग्राम एंटी मैटर एवरेज 300 केजी के न्यूक्लियर बॉम्ब जितना पावरफुल एक्सप्लोजन कर सकता है। वैसे एंटी मैटर के बारे में आपको बता दूं कि एंटी मैटर मैटर से बिल्कुल उल्टा होता है और इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स का चार्ज भी मैटर पार्टिकल से उल्टा होता है। जैसे नॉर्मल मैटर में इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज नेगेटिव होता है, एंटी मैटर में वही चार्ज पॉजिटिव होता है। बट एंटी मैटर के साथ भी कई बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे एंटी मैटर को स्टोर करना। क्योंकि देखो, भले ही हम 70 सालों से एंटी मैटर को बना रहे हैं, लेकिन अभी भी हम उसे सेफली स्टोर नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि हमारे एंटी मैटर को स्टोर करने वाले डिवाइसेस खुद मैटर के बने होते हैं। इसलिए अगर ये दोनों कांटेक्ट में आए तो एक बड़े एक्सप्लोजन में पूरी लैबोरेटरी ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, या फिर वो कंट्री भी जिसमें वो लैबोरेटरी मौजूद थी। इसीलिए अभी तक तो हम एंटी मैटर को स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन वैज्ञानिक अब इस प्रॉब्लम के एक सोल्यूशन पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से एंटी मैटर को बिना मैटर से टच करवाए स्टोर कर सकते हैं। अब इसी तरह की सेम टेक्नोलॉजी हमें चाइना की ईस्ट टोकामाक फ्यूजन रिएक्टर में भी देखने को मिलती है, जो कि एक फ्यूजन रिएक्टर है जिसे आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है, और जिस पर हमने कुछ समय पहले ही एक पूरा वीडियो बनाया था, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इस ईस्ट टोकामाक की खास बात यह है कि इसमें प्लाज्मा को सूरज के कोर के टेम्परेचर से भी 5 गुना ज्यादा हीट कर दिया जाता है, और इस हीट से रिएक्टर की दीवारों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है और उसी के अंदर फ्यूजन रिएक्शन कराई जाती है। यानी इस तरह की टेक्नोलॉजी से हम जल्द ही एंटी मैटर को भी स्टोर कर सकेंगे। पर इसके बाद बारी आती है दूसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, जो होगा एंटी मैटर बॉम्ब बनाने के लिए होने वाला खर्च। तो क्योंकि हमें एंटी मैटर बॉम्ब से एक अर्थ जैसे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना है, तो भले ही 1 ग्राम एंटी मैटर एक कई 100 किलो के न्यूक्लियर फिजन बॉम्ब के बराबर होता है, लेकिन इसके बावजूद पूरे के पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें कई ट्रिलियन ऑफ एंटी मैटर की जरूरत होगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका जवाब हमें अर्थ की हिस्ट्री में देखने को मिल जाता है। क्योंकि आज से 66 मिलियन साल पहले अर्थ पर 11 से 80 किलोमीटर बड़ा चिक्सुलूब एस्ट्रॉइड टकराया था, जो टक्कर इतनी बड़ी थी कि वैज्ञानिकों के एक रिसर्च के मुताबिक इस टक्कर के दौरान अर्थ पर 10 बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब्स जितनी एनर्जी जनरेट हुई थी। लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट क्या निकला? अर्थ पर मौजूद 75% लाइफ खत्म हो गई, जिसमें डायनासोर्स भी थे। साथ ही एस्ट्रॉइड की इस पावरफुल हिट से अर्थ पर एक 150 किलोमीटर बड़ा क्रेटर बन गया। अब ये सब सुनने में तो काफी ज्यादा लगता है, पर अगर प्लैनेटरी स्केल पर देखा जाए तो क्या अर्थ को इससे कोई फर्क पड़ा? वेल, नहीं। इस टक्कर से हुई डैमेज को देखा जाए तो सही मायने में वो अर्थ के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि प्लैनेटरी लेवल पर 10 बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर हमें अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए न्यूक्लियर नहीं, एक एंटी मैटर बॉम्ब ही परफेक्ट होगा। और अगर 6 सेप्टिलियन किलोग्राम यानी 6 के पीछे 24 जीरोस जितने भारी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए कुछ ट्रिलियन किलोग्राम का एंटी मैटर बॉम्ब तो चाहिए ही होगा, जो नंबर सच में काफी बड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तक हम इंसान 1 ग्राम भी एंटी मैटर नहीं बना पाए, क्योंकि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जिसमें एंटी मैटर बनाया जाता है, उस मेकिंग प्रोसेस में इतना ज्यादा खर्च होता है कि अगर 1 ग्राम एंटी मैटर बना भी लिया जाए, तब भी होने वाला खर्च 63 ट्रिलियन डॉलर्स होगा, जो इंडिया के जीडीपी के 20 गुना से भी ज्यादा है। और ये बस मैं 1 ग्राम की बात कर रहा हूँ, कहीं ट्रिलियन केजी तो भूल ही जाओ। मतलब सिंपल भाषा में अर्थ या फिर किसी भी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने लायक एक एंटी मैटर बम को बना पाना भी अभी की करंट टेक्नोलॉजी में पॉसिबल नहीं है। नंबर 3, टेस्ला ऑसिलेटर अर्थक्वेक मशीन। दोस्तों, साल 1930s का समय था। इस समय निकोलाई टेस्ला के एसी करंट ने उन्हें दुनिया के कुछ सबसे बेस्ट साइंटिस्ट में शामिल कर दिया था, और अब टेस्ला एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रहे थे जिसकी मदद से वो इस एसी करंट को दूर दूर तक घरों में सप्लाई कर सके, जिसके लिए टेस्ला एक ऐसे छोटे बट पावरफुल ऑसिलेटर डिवाइस पर काम कर रहे थे जो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी को मैच करके काफी आसानी से उसे दूर तक ट्रांसफर कर सकता था।
अब टेस्ला ने अपने इस एक्सपेरिमेंटल डिवाइस को स्टीम पावर ऑसिलेटर नाम दिया। पर जल्द ही एक टेस्टिंग के दौरान टेस्ला ये समझ गए कि उनका ये डिवाइस एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर डिवाइस से भी काफी बढ़कर है और इसकी मदद से आर्टिफिशियल अर्थ क्वेक जनरेट किए जा सकते हैं। क्योंकि जब टेस्टिंग के दौरान टेस्ला ने अपने इस ऑसिलेटर को ऑन किया तो जिस बिल्डिंग में टेस्ला की लेबोरेटरी थी उस पूरी बिल्डिंग में ही अर्थ क्वेक आ गया और बिल्डिंग जोर जोर से हिलने लगी। इसके अलावा कंफर्मेशन के लिए टेस्ला ने इस डिवाइस को कई और जगह भी ऑन करके देखा लेकिन रिजल्ट सभी जगहों पर सेम ही आ रहे थे। अब दोस्तों इसके अलावा टेस्ला के इस पावरफुल डिवाइस से एक एक्सीडेंट भी हो गया क्योंकि जब वो इस डिवाइस को लेकर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज से जा रहे थे तब उनकी पॉकेट में मौजूद इस डिवाइस से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी से पूरा ब्रिज ही हिलने लगा था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये डिवाइस काम कैसे करता था, तो इसके पीछे की साइंस काफी सिंपल थी। ये डिवाइस ऐसी फ्रीक्वेंसीज निकालता था जो आसपास के एटम्स की फ्रीक्वेंसीज को मैच करके उन्हें वाइब्रेट कर सके। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आपने देखा होगा कि इंटरनेट पर कई लोग अपनी आवाज की वाइब्रेशन से कांच के ग्लास को तोड़ देते हैं। अब निकोला टेस्ला की इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि पॉकेट में आ जाने वाला एक छोटा डिवाइस एक पूरी बिल्डिंग यहाँ तक कि एक ब्रिज को भी अर्थक्वेक से हिलाने की पावर रखता था। अब ऐसे में सोचिए अगर इस तरह के डिवाइस को काफी बड़ा कर दिया जाए तो वो कितना ज़्यादा खतरनाक होगा और शायद निकोला टेस्ला अगर इस प्रोजेक्ट को और भी बढ़ाते तो ये ऑसिलेटर इतना पावरफुल भी हो सकता था कि पूरी अर्थ पर ही अपने फ्रीक्वेंसी से अर्थ क्वेक ला सके। क्योंकि देखो हमारी धरती भी बाकी सभी तरह की चीज़ों के जैसे डिफरेंट एटम्स की ही बनी हुई है जिनकी अपनी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन है। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि निकोला टेस्ला की इस डिवाइस की पावर कितनी ज़्यादा थी और टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिक ने शायद इस बात को और इसके खतरों को पहले ही समझ लिया था, इसीलिए ये ऑसिलेटर इन्वेंशन कभी दुनिया के सामने आई ही नहीं और इसीलिए कई लोग तो आज भी इस इन्वेंशन को टेस्ला की एक इमेजिनेशन मानते हैं। नंबर 4, नैनो बोट स्वार्म। वैसे मुझे लगता है कि हमें बड़े वेपन्स बनाने के बजाय छोटे वेपन्स बट लार्ज अमाउंट में वेपन्स को बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जिसका आइडिया हमें साल 1940s के एक रिसर्च पेपर से मिलता है जिसमें साइंटिस्ट होमर जैकोबसन, फ्रीमैन डायसन एंड जॉन वॉन न्यूमैन ने एक ऐसे सेल्फ रिफ्लेक्टिंग रोबोट बनाने के आइडिया को एक्सप्लोर किया है। ऐसे रोबोट्स जो बहुत ही कम समय में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर सकते हैं। पर इस तरह के रोबोट से प्लैनेट्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे समझने के लिए इमेजिन करिए कि हम ह्यूमंस एक ऐसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट को बनाते हैं जो साइज में काफी छोटा होता है पर टारगेट प्लैनेट के नेचुरल एलिमेंट से बना है। अब हमें करना बस इतना है कि इस रोबोट को उस प्लैनेट पर छोड़ देना है, बाकी का काम रोबोट खुद कर लेगा। क्योंकि इस रोबोट को इस तरह से प्रोग्राम किया जाएगा कि शुरुआत में ये रोबोट छुप कर रहेगा और धीरे धीरे सेल्फ रेप्लिकेट करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता रहेगा। जैसे कि एक रोबोट दूसरे रोबोट को बनाएगा, बने हुए दो रोबोट आगे के चार रोबोट को बनाएंगे, फिर वो चार रोबोट आगे के आठ रोबोट को और फिर वो आठ रोबोट आगे के 16 रोबोट को। इस तरह एक कंपाउंडिंग इफेक्ट चलता रहेगा और केवल 40 जनरेशन की कंपाउंडिंग साइकिल के बाद इन रोबोट्स की संख्या ट्रिलियंस में पहुंच जाएगी। और यहां पर याद रहे कि ये रोबोट्स उस प्लैनेट के ही नेचुरल एलिमेंट्स को कंज्यूम करके ग्रो और रेप्लिकेट हो रहे हैं, यानी जितनी इनकी संख्या बढ़ेगी प्लैनेट उतना ही ज्यादा डिस्ट्रॉय होगा और एक समय बाद इनका नंबर इतना बड़ा होगा कि ये पूरे प्लैनेट को ही कंज्यूम करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। वैसे इस तरह के रोबोट तो अभी भी हम ह्यूमंस के लिए बनाना काफी चैलेंजिंग है या फिर शायद पॉसिबल भी, बट फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। नंबर 5, मे बी वी जस्ट नीड टू पुश प्लैनेट्स इन ए राइट डायरेक्शन। दोस्तों आपने कई बार कहावत सुनी होगी कि गलत रास्ते पर चलने से लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, पर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट प्लैनेट पर भी फिट बैठता है। क्योंकि कोई प्लैनेट एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही सेफ रह सकता है जो बिलियंस ऑफ इयर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद सेफ वे बन पाता है। इसीलिए अगर आप किसी प्लैनेट के ऑर्बिट को थोड़ा भी चेंज करोगे तो उस पूरे की एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाती है। वैसे भी हमारा यूनिवर्स ऐसे प्लैनेट किलर मॉन्स्टर्स से भरा पड़ा है जो कुछ ही सेकंड्स में अर्थ जैसे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऐसे में हमें बस करना इतना है कि टारगेटेड प्लैनेट को बस उस रॉन्ग डायरेक्शन में भेज देना है। एग्जांपल के लिए किसी अर्थ के ऑर्बिट को चेंज करके उसे सूरज की ओर रीडायरेक्ट कर देना है या फिर किसी दूसरे प्लैनेट की ओर जैसे जुपिटर, और दोनों ही सिचुएशन में प्लैनेट का फूल प्रूफ डिस्ट्रक्शन पक्का है। पर देखो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अर्थ को मूव
कैसे करे और इसके लिए जितने पावरफुल इंजन्स की जरूरत होगी वो भी अभी के लिए बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज है। कुल मिलाकर कहूं तो ना तो अमेरिकन सरकार कोई सीक्रेट डेथ स्टार बना रही है और ना ह्यूमैनिटी अभी इतनी केपेबल है कि वो प्लैनेट किलर मशीन बना सके। तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना आखिर ह्यूमंस के लिए कितना बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कोई वेपन हमें बनाना भी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से ऐसा करना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।